गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू टुडे डे ट्यूसडे डेट थर्टीन अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन क्लास थर्ड सब्जेक्ट जी के चैप्टर नंबर टू वेन वी मूव जब हम चलते हैं वेन का मतलब जब वी हम मूव चलते हैं जब हम चलते हैं नेक्स्ट वी रीड मूवमेंट इज द मेन फीचर ऑफ द लिविंग बींग्स मूवमेंट क्या है हिलना डुलना चलना फिरना ये मूवमेंट है हम भी चलते हैं हमारी मूवमेंट है ये मेन फीचर है मेन गुण है मेन उनका क्या है मेन विशेषता है किसकी लिविंग बींग्स की जीवित प्राणियों की जो एनिमल्स जो इंसान जो जी, जो सांस लेते हैं जिंदा हैं उन्हें क्या बोलते हैं लिविंग बींग्स जीवित प्राणियाँ टाइप ऑफ मूवमेंट इन इन एनिमल्स इज नेम्ब बाय स्पेशल टर्म्स जो उनकी मूवमेंट है जो उनका चलने का तरीका है जो वो आ, चलते हैं या हिलते हैं उनकी जो मूवमेंट है चलने फिरना का जो उनकी उन, उसका, उसको एक स्पेशल नेम दिया गया है चैप्टर किसके बारे में है यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं इनकी मूवमेंट को क्या बोलती हैं अगर ये चलते हैं हिलते डुलते हैं उस उस चीज को क्या बोलते हैं हिलने डुलने को क्या बोलते हैं उस चलने फिरने को क्या बोलते हैं ये उसके बारे में चैप्टर है यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं फर्स्ट पिक्चर देखिए कौन सा एनिमल है ये बेबी है किसका लॉयन शेर का बेबी है इसे कब बोलते हैं कब और इसकी मूवमेंट को इसकी चलने फिरने को क्या बोलते हैं ट्रोट्स टी आर ओ टी एस ट्रोट्स इसे हिंदी में बोल सकते हैं दुल की चाल चलना जैसे उछल उछल कर पर धीरे धीरे चलना उसे बोलते हैं ट्रोट्स नेक्स्ट पिक्चर किसकी है एलिफेंट हाथी की इसकी मूवमेंट को इसके हिलने डुलने को क्या बोलते हैं एम्बल्स एम्बल्स जिससे हम बोल सकते हैं धीरे धीरे चलना या धीरे जिसे कोई पर्सन टहलता है घूमता है उसे बोलते हैं एम्बल्स उसकी मूवमेंट को क्या बोलते हैं एम्बल्स और हिंदी में बोल सकते हैं धीरे धीरे चलना नेक्स्ट देखिए ए रैबिट खरगोश एक खर उसे उसकी मूवमेंट को क्या बोलते हैं स्टॉल स्टॉक क्या होता है जिससे जैसे हम किसी को छुपकर लुक छुपकर शिका जैसे किसी का पीछा करते हैं ऐसे कि ये ऐसे चलता है इस जैसे कि वह किसी को डरा रहा है किसी को परेशान ऐसे चलता है कि कोई देख के उसको परेशान हो जाए उसकी वॉक को क्या बोलते हैं स्टॉल्क नेक्स्ट पिक्चर देखिए ए डक डक की मूवमेंट को क्या बोलते हैं वेडल्स वेडल्स की मूवमेंट का मतलब क्या है जैसे कि शरीर के शरीर को जैसे दाएं जैसे लेफ्ट राइट हिलाते हुए छोटे छोटे कदम चलना लेफ्ट राइट इधर उधर देखा लेफ्ट उसको अपनी अपने जो फुट है उसको हिलाया और छोटे छोटे कदम चलना उसे बोलते हैं वेडल्स डक की मूवमेंट को क्या बोलते हैं वेडल्स नेक्स्ट देखिए ए फिश फिश मछली मछली क्या करती है स्विम्स उसकी मूवमेंट क्योंकि वो पानी में रहती है वो तो तैरती है चल नहीं सकती तो उसका चल उसकी मूवमेंट जो हिलती झुलती है उसे क्या बोलते हैं तैरना स्विम्स का मतलब क्या होता है तैरना फिश क्या करती है तैरती है नेक्स्ट पिक्चर देखिए ये कौन है डंकी गदा और इसकी मूवमेंट को क्या बोलते हैं लीप्स लीप्स क्या होता है छलांग लगाना धीरे धीरे छलांग लगाना उसे बोलते हैं लीप्स डंकी की मूवमेंट का क्या नाम है लीप्स एल ई -E ए पी एस नेक्स्ट पिक्चर देखिए ए लैम्ब लैम्ब क्या होता है भेड़ का बच्चा जिसे हम हिंदी में मेमना भी बोल सकते हैं भेड़ का बच्चा उसकी मूवमेंट क्या है फ्रिस्क एफ आर आई एस के एस फ्रिक्स इसका क्या मतलब है जैसे नाचना जैसे जब कोई पर्सन या कोई एनिमल खुश हो जाता है खुशी के मारे जो खूब उछलने लग जाता है तो उसे बोलते हैं फ्रिस्क नेक्स्ट देखिए एन ईगल ईगल क्या होता है बाज इसकी मूवमेंट को क्या बोलते हैं स्वूप्स सूप्स का मतलब क्या होता है नीचे की ओर उड़कर आना फिर अपनी स्पीड तेज कर देना क्योंकि एनिमल्स ऐसे ही होते हैं जैसे नीचे से उन्होंने उड़ान भर उड़ी और ऊपर जाके उनकी जो स्पीड है वो तेज हो जाती है उनकी मूवमेंट ईगल की मूवमेंट को क्या बोलते हैं स्वूप्स एसडब्ल्यू डबल ओ पी एस बच्चे फिल दिस आंसुर्स इन योर बुक With good and writing thank you have a nice day